नमस्कार बच्चों, देखिए आज मैं आपको संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जिससे हमारी व्याकरण की शुरुआत होती है वो पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ। पूरे फोकस्ड के साथ समझना है, सामने कॉपी रख के बैठना है और पूरे फोकस से समझना है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी चीज पढ़ाने वाला हूँ जो पेपर में आती है। और आज हम पढ़ेंगे संधि। आज हम क्या पढ़ेंगे संधि पढ़ेंगे। क्लियर है? संधि। संधि किसको बोलते हैं? दो वर्ण। वर्ण का मतलब क्या होता है? अनाराम होते आ ई ई उ उ ए ए ओ ओ औ अम अहा। अनाराम होते हैं आ आ आ ई ई ई उ उ ए ए ओ ओ औ अम अहा। का खा गा घा रा चा छा जा जा झा, है ना, ता ता धा धना, है ना। ये जो आपके जो इनको वर्ण कहते हैं, इनको क्या कहते हैं? वर्ण। जैसे कि रा भी एक वर्ण है, ई भी एक वर्ण है, उ भी एक वर्ण है, रा भी एक वर्ण है, व भी एक वर्ण है। वर्ण क्या बोला मैंने? वर्ण। किसकी बात कर रहा हूं? वर्ण। वर्ण किसे कहते पहले समझ लो। वर्ण जैसे कि का भी एक वर्ण होता है, खा भी एक वर्ण होता है, गा भी एक क्या होता है? वर्ण होता है। तो जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं, कौन मिलते हैं? दो वर्ण आपस में मिलते हैं, कौन मिलते हैं? दो वर्ण आपस में मिलते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो दो वर्णों के मेल से, किससे? दो वर्णों के मेल से या दो वर्णों के जुड़ने से, दो वर्णों के आपस में जुड़ने से या दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहा जाता है। क्या कहा मैंने? दो वर्णों के मेल से, किससे? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। कौन बताएगा? बताओ। वेरी गुड, बताओ बताओ। वेरी गुड। चलो लड़कों में कोई तो है बताने वाला, है ना। क्या बोलते? विकार, है ना, संधि कहते हैं दो वर्णों के मिलते। देखो जैसे कि देखो, एक शब्द हो गया विद्या, हल्ला नहीं, एक शब्द हो गया विद्या, इसमें एक वर्ण है आ, आ की मात्रा है, लगी आ की मात्रा, ये पहला वर्ण मान लो इसको। फिर आलय, दूसरा है आलय, आलय में एक वर्ण क्या है आपका? आ। दो वर्ण हो गए, पहला वर्ण हो गया आ और ये वर्ण भी क्या हो गया? आ। आ और आ के जुड़ने से बन गया बड़ा आ। बी का हो गया वी, घा का हो गया घा, ये वाला आ और ये वाला आ जुड़ के क्या बना लिए? बड़ा आ की मात्रा बना लिए। और लय का हो गया लय। तो दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। जैसे विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाता है? विद्यालय हो जाता है। क्लियर? विद्याधन आलय बराबर क्या हो जाएगा? विद्यालय हो जाएगा, बनेगा। इसके बाद संधि जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की संधि। तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि। और जो स्वर होते हैं, स्वर किसको बोलते हैं? हिंदी में आपके 12-13 स्वर हैं। हिंदी में टोटल 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52, है ना। जिसमें से 12-13 क्या है? आपके स्वर है। स्वर किसको बोलते हैं? आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, उ उल्लू का, नहीं, आ अनार का, आ आम का, ई इमली का, ई ईख का, उ उल्लू का, उ ऊन का, ए एड़ी का, ए एनक का, ओ औरत का, औ औखली का, अम की बिंदु अम, आह की बिंदु आहा। और एक ऋषि भी रहता है स्वर। ये होते हैं आपके क्या? स्वर होते हैं। तो ये स्वर जब आपस में जुड़ते हैं तो एक होती है स्वर संधि। और स्वर को अच भी बोलते हैं। स्वर को क्या बोलते हैं? अच। अच संधि कहो या स्वर संधि कहो, बात एक ही है। क्या बोला मैंने?
अच संधि कहो या स्वर संधि कहो, बात क्या है, एक ही है। दूसरी होती व्यंजन। हिंदी में व्यंजन कौन कौन से होते हैं आपके, का 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 कलम का, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का, का खा गा घा हड़ा, चा चा छा जा जा, का से लेके ज्ञा तक जो होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। और व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन क्या कहते हैं अपन, हल। व्यंजन संधि की बात बोलो या हल संधि बोलो, बात एक ही है। अगली होती है विसर्ग संधि। तीसरी संधि क्या होती है, विसर्ग संधि। संधि के तीन टाइप होते हैं, पहली होती है स्वर संधि, दूसरी होती है विसर्ग संधि व्यंजन संधि, और तीसरी होती है विसर्ग संधि। क्लियर। संधि कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी, हाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बैठ जाओ, है ना, है ना, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर संधि। सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि या अच संधि। स्वर संधि दो स्वरों के आपस में मिलने से, क्या बोला मैंने, दो स्वरों के आपस में मिलने से, दो स्वरों के आपस में मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, क्या बोला, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बन जाएगा, दो स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वेरी गुड, बहुत शानदार, बैठ जाओ, है ना। स्वर का स्वर में मेल हो रहा है, देखो एक स्वर हो गया आ, आ स्वर है, दूसरा स्वर भी हो गया आ, स्वर का स्वर से मेल हुआ, दोनों स्वर मिल गए, एक नया स्वर बना आ। तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। अब आपकी ये जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि भी छह प्रकार की होती है। स्वर संधि भी कितने प्रकार की होती है, छह प्रकार की। स्वर संधि के छह प्रकार होते हैं। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि, दूसरी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। सबसे पहले हम समझेंगे भैया दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। सबसे पहले हम समझेंगे क्या, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ चार सूत्र याद करना है। अगर आपने चार सूत्र याद कर लिए कभी भी कंफ्यूजन में नहीं जाओगे। दीर्घ स्वर संधि के लिए आपको कितने सूत्र याद करना है, चार सूत्र याद करना है। किसके लिए, दीर्घ स्वर संधि के लिए। पहला सूत्र होता है इस तरफ यदि छोटा आ हो, है ना, या बड़ा आ हो, छोटा आ या बड़ा आ, दोनों में से कोई एक भी, और उस तरफ भी क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो आ और आ के मिलने से हमेशा बड़ा आ ही बनेगा। अगर इस तरफ भी छोटा आ है और इस तरफ भी छोटा आ है और वो दोनों आपस में मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा। और इस तरफ भी बड़ा आ है और इस तरफ भी बड़ा आ है, और जब आ में आ को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। बड़ा आ बन रहा है मतलब दीर्घ आ बन रहा है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि बोलेंगे। इस तरफ चाहे छोटा ई हो या इस तरफ बड़ा ई हो, है ना, और इस तरफ भी चाहे छोटा ई हो या इस तरफ कौन सा ई हो, बड़ा ई हो, ई और ई के मिलने से हमेशा बड़ा ई ही बनेगा, बड़ा ई बनेगा। बड़ा ई बनेगा मतलब दीर्घ वाला ई बनेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। इस तरफ चाहे छोटा ऊ हो या इस तरफ मोटा ऊ, बड़ा ऊ हो, इस तरफ चाहे छोटा ऊ हो या इस तरफ बड़ा ऊ हो, और उस तरफ भी, और उस तरफ भी छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ऊ और ऊ के जुड़ने से, ऊ और ऊ के मिलने से हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। क्या बोला मैंने, ऊ और ऊ के मिलने से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ऊ ही बनता है। किसके क्या होने से क्या होता है, ऊ और ऊ के मिलने से हमेशा क्या बनता है, बड़ा ऊ ही बनता है। इस तरफ चाहे छोटा री हो या फिर इस तरफ बड़ा री हो, या इस तरफ भी छोटा री हो
या इस तरफ क्या हो, बड़ा री हो। री और री के मिलने से हमेशा बड़ा री ही बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा री ही बनेगा। री और री के आपस में मिलने से हमेशा क्या बनेगा? बड़ा री ही बनेगा। क्लियर है? री और री के मिलने से क्या बनेगा? हमेशा बड़ा री ही बनेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? क्लियर? अब देखो, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स देखो। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है, तुम बाहर चल जा रहे हो बेवकूफ़ नलायक लोग, तुमको रोज दिन समझा रहा हूँ, परेशान जबरन क्यों, खुद मेरे को भी कर रहा है, खुद भी हो रहे हो, बिल्कुल पीछे बैठ के बिल्कुल चेपो चेपो टाइप बिल्कुल लगी रहोगे, बिल्कुल मूर्ख हो की तरह। कितने बार समझाऊँ मैं? देखो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, शशधन अंक, शशधन अंक। यहाँ पर समझना वाली किस, क्या बोला मैंने? शशधन अंक, शशधन अंक, शशधन अंक। कोई भी व्यंजन जब का खा गा खा लिखे जाते हैं तो ये क्या होता मालूम है? इसको अगर जूम करेंगे ना अपन तो शाह का हो गया शाह। ये जो शाह है ना, ये आधा शाह और आ के मिलने से बना है। आधा शाह में जब आ मिला है तब ये पूरा शाह बना है। क्लियर है? कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता से नहीं बोल सकते। इसमें एक स्वर छोटा आ जुड़ा हुआ है। एक स्वर क्या जुड़ा हुआ है? छोटा आ जुड़ा हुआ है। ये शाह में एक, ये आधा शाह और आ है। तो यहाँ पर हो गया आ, यहाँ पर क्या छुपा है? आ छुपा है। और यहाँ पर भी क्या है? आ है। यहाँ पर भी क्या है? आ है। और यहाँ पर भी क्या है? आ है। और आ के मिलने से क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। क्या बनता है? बड़ा आ। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे, जब शश में अंक जुड़ेगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर शाम में आ छुपा हुआ है और यहाँ पर भी क्या है? आ है। तो छोटा आ और छोटा आ, छोटा आ और छोटा आ के मिलने से क्या बन जाता है? बड़ा आ बन जाता है। तो शाह का हो गया शाह, शाह का हो गया शाह। यहाँ का आ और यहाँ का आ मिलके बड़ा आ की मात्रा बन गई, बन गई आ की मात्रा। और का हो गया का। तो शशांक हो गया, शशधन अंक बराबर क्या हो गया? शशांक हो गया। शशधन अंक बराबर क्या हो गया? शशांक हो गया। समझ में आ रहा है ना? शशधन अंक बराबर क्या हो गया? शशांक हो गया। अब यहाँ पर लिखा है दैत्य, क्या लिखा है यहाँ पर? दैत्य। या में यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है, या में यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? आ, छोटा आ, आधा या और आ जुड़ा हुआ है। या में यहाँ पर आ है, या में यहाँ पर क्या है? आ है। और अरी में भी यहाँ पर क्या है? आ है। तो आ और आ, छोटा आ और छोटा आ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ की मात्रा। तो दैत्य धन अरी बराबर दैत्यारी, दैत्य धन अरी बराबर दैत्यारी, दैत्य धन अरी बराबर दैत्यारी। आपको पेपर में पूछ लिया जाएगा कि दैत्यारी का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या लिखोगे? दैत्य धन अरी। या फिर पूछ लेगा दैत्यारी में कौन सी संधि है, तो दिमाग लगाना, दैत्य धन अरी, आ और आके मिलने से बड़ा आ बना। हाँ, दीर्घ स्वर संधि है, ऐसा आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा पेपर में। क्लियर? दैत्य धन अरी बराबर क्या हो जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर क्या आप देख सकते हो, अगला है ना, अगला यहाँ पर आपका क्या है? देखिए अगला यहाँ पर आपका चा धन अपि, अगला क्या यहाँ पर? चा धन अपि। चा में यहाँ पर आ छुपा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पर भी क्या है? आपका आ है। तो छोटा आ और आ के मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो चा धन अपि बराबर हो जाएगा चापी, चा धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? चापी, चा धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? चापी। आ और आके मिलने से बड़ा आ बन गया। क्लियर? सरल है कठिन है? बहुत सरल है। देखो कस्य धन अपि, कस्य या में आ छुपा हुआ है और यहां पर भी क्या है? आपका आ है। तो आ और आके मिलने से क्या बन जाएगा? बड़ा आ बन जाएगा। तो कस्य धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? कस्यापि हो जाएगा। कस्य धन अपि बराबर क्या हो जाएगा? कस्यापि हो जाएगा। अगला आपका देह धन अंत, अगला क्या है? देह धन अंत। हाँ में यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी आ है, तो आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ। देह का हो गया देह, और आ और आ के मिलने से बन गई बड़ी आ की मात्रा। अम की बिंदु का हो गया अम की बिंदु, और ता का हो गया ता। तो देह धन अंत बराबर क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। देह का अंत हो गया मतलब क्या हो गया? देहांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? देहांत हो जाएगा। अगला
अगले यहाँ पर हिम धन आलय, यहाँ पर छोटा आ है और इस तरफ बड़ा आ है, तो दिक्कत की बात नहीं, इस तरफ छोटा आ और इस तरफ बड़ा आ है, हमेशा मिलने पर क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। तो हिम धन आलय, हिम का हो गया हिम, आ और आ के मिलने से बन गया बड़ा आ, और लय का हो गया लय, तो हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। हिम धन आलय बराबर हो जाएगा हिमालय। अब देखो, अब ई वाला नियम, गी री, रा में छोटी ई की मात्रा है, रा में काय की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और इस तरफ भी चुकाई की मात्रा है छोटी। तुम खड़े हो जाओ, अभी जाए बाहर जाओ। हिम रा, रा में काय की मात्रा है, रा में छोटी ई की मात्रा है, रा में काय की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है, और यहां पर भी काय की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा है। देखो इस तरफ भी ई की मात्रा, इस तरफ भी छोटी ई की मात्रा, इस तरफ भी काय की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, तो ई और ई के मिलने से हमेशा बड़ा ई ही बनेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर संधि। इस तरफ भी छोटा ई, इस तरफ भी छोटा ई, ई और ई के मिलने से हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ई बनेगा। देखो गिरी, राम में छोटी ई की मात्रा है, और ये इंद्र, इंद्र में भी काय की क्या है, छोटा ई है, तो छोटा ई और छोटा ई के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। छोटा ई और छोटा ई के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ई बन जाएगा। तो घी का हो गया घी, रा का हो गया रा, छोटा ई और ई मिलके बन गया बड़ा ई, तो राम में लग गई बड़ा ई की मात्रा। ना का हो गया ना, और द्रा का हो गया द्रा, तो गिरी धन इंद्र बराबर हो जाएगा गिरीन्द्र। भले इस तरफ छोटा छोटा हो, लेकिन इस तरफ हमेशा क्या बनेगा, बड़ा ही बनेगा। समझ में आया आप लोग को? और पेपर में संधि विच्छेद पूछ लेगा, ग्रेन का संधि विच्छेद कीजिए, तो क्या लिखोगे, गिरी धन इंद्र। गिरी धन इंद्र बराबर क्या होता है, गिरीन्द्र होता है। अगला है रवि धन इंद्र, वाह, वाह में इस तरफ छोटी ई की मात्रा है, और यहाँ पर भी क्या है, छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई और छोटी ई के जुड़ने से क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। छोटी ई और छोटी ई के जुड़ने से क्या बन जाएगा, बड़ी ई बन जाएगा। इसलिए रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? रवि धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा है कपि, पा में लगी छोटी ई की मात्रा, और यहाँ पर है बड़ी ई, तो घबराने वाली बात नहीं है। इस तरफ छोटा ई हो या बड़ा ई हो, इस तरफ भी छोटा ई हो या बड़ा ई हो, दोनों के मेल होने पर हमेशा बड़ा ई ही आएगा, है ना। तो कपि इस तरफ छोटा ई हो गया और इस तरफ बड़ा ई हो गया, दोनों के मिलने से बड़ी ई की मात्रा ही लगाई जाएगी। काय की मात्रा लगाई जाएगी, बड़ी ई की मात्रा ही लगाई जाएगी। तो कपि धन ई से बराबर हो जाएगा कपीश, कपि धन ई बराबर क्या हो जाएगा, कपीश जाएगा, है ना। कपि का मतलब क्या होता है, बानर, और ईश का मतलब होता है राजा, तो कपीश, है ना। रामायण के सीरियल में देखे होंगे आप लोगों ने, सुग्रीव को बोलते हे कपीश तुम वहां पर जाइए, है ना, राम भगवान बोलते ना, है ना, बानर लोग के, है ना, उनको अंगद को, है ना। कपि धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, कपीश हो जाएगा। अगला है देखो, सती धन इच्छा, ताम में यहाँ पर काय की मात्रा लगी है, बड़ी ई की मात्रा लगी है, और यहाँ पर कौन सा ई है, छोटा ई है, तो ई और ई के मिलने से हमेशा क्या बनेगा, बड़ी ई ही बनेगा। सा का हो गया सा, ता का हो गया ता, ई और ई के मिलने से बन गया बड़ी ई, और चछा का हो गया चछा। सती धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, सती इच्छा, सती धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, सती इच्छा, अच्छा नाम है, सती धन इच्छा बराबर क्या हो जाएगा, सती इच्छा, है ना। भानु धन उदय, अब उ काय की बात करेंगे अपन, उ बराबर उ बराबर उ बराबर उ। देखो इस तरफ भी उ हो और इस तरफ भी उ हो, इस तरफ चाहे छोटा उ हो या इस तरफ बड़ा उ हो, या इस तरफ भी छोटा उ हो या बड़ा उ हो, दोनों के मेल होने पर हमेशा क्या बनेगा, बड़ा उ ही बनेगा। भानु नाम में यहाँ पर छोटा उ है, नाम में यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, और उदय में यहाँ पर छोटा ऊ है, उदय में भी यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, तो ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। ऊ और ऊ के मिलने से क्या बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा। क्लियर है? नाम में छोटा ऊ की मात्रा लगी है और उदय में भी यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा है, तो ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो भानु का, भा का हो गया भा, ना का हो गया ना,
ऊ और ऊ के मिलके बन गए बड़ा ऊ की मात्रा। यहाँ पर क्या लग जाएगी, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ा ही लगाना हमेशा ना, बड़ा ऊ की मात्रा। और दय का हो जाएगा दय, तो भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानु दय, भानु धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भानु दय। मैं यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, ये संधि है ना, इनको याद भी करते चलना है बिल्कुल, कि यहीं पर याद हो जाए, कोई रट लो बिल्कुल, कोई पूछे कि कहाँ भानु धन उदय बराबर क्या होता है, तो भानु दय होता है। अगला है सुधन उक्ति। सु सा का हो गया सा, ऊ और ऊ के मिलने से छोटा ऊ और ऊ के मिलने से छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने से क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। और कति का हो जाएगा कति, तो सुधन उक्ति बराबर क्या हो जाएगा, सुक्ति हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर हमारा लघु धन उर्मी। अगला क्या है, लघु धन उर्मी। ला का हो गया ला, घा का हो गया घा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऊ और ऊ के मिलने से ऊ ऊ बड़ा ऊ, ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ऊ ऊ बराबर ऊ, ऊ धन ऊ बराबर ऊ, क्लियर। छोटा ऊ और छोटा ऊ के मिलने, बड़ा ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। और अरमी का हो जाएगा रमी, क्लियर। तो लघु धन उर्मी बराबर हो जाएगा लघुर्मी, लघु धन उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, लघुर्मी हो जाएगा। अगला है भू धन उन्नति। अगला क्या है, भू धन उन्नति। अगला क्या है, भू धन उन्नति। रात में कितने सोता है, देखो ओए तेज पूछा गया, देखो क्या बोला मैंने, भू धन उन्नति। अगला क्या है, भू धन उन्नति, फोकस्ड करो है ना, फोकस्ड फोकस्ड करो, भूधन उन्नति। भा का हो गया भा, ऊ और ऊ के मिलने से बन जाएगा बड़ा ऊ, क्या बोला मैंने, ऊ और ऊ के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। नानाती का हो जाएगा नानाती, बस ऊ और ऊ के मिलने से बन गया बड़ा ऊ, क्लियर। भूधन उन्नति बराबर हो जाएगा भून्नति, भूधन उन्नति बराबर क्या हो जाएगा, भून्नति, क्या हो जाएगा, भूधन उन्नति बराबर भून्नति हो जाएगा। इसके बाद भूधन ऊर्ध्वम। अगला क्या है, भूधन ऊर्ध्वम। भा का हो गया भा, ऊ और ऊ, ऊ ऊ बराबर ऊ, ऊ और ऊ के मिलने से बन जाएगा ऊ बन जाएगा। भा का हो गया भा, ऊ धन ऊ बराबर ऊ। धर्वम का हो जाएगा धर्वम, भूधन ऊर्ध्वम का हो जाएगा भूर्ध्वम, भूधन ऊर्ध्वम बराबर क्या हो जाएगा, भूर्ध्वम हो जाएगा, क्लियर। अगला है भूधन ऊसर। अगला क्या है, भूधन ऊसर। भा का हो गया भा, ऊ और ऊ के मिलने से बन गया ऊ, और सर का हो जाएगा सर, भूधन ऊसर बराबर भूसर, भूधन ऊसरहा बराबर भूसरहा, क्लियर, भूसरहा है ना। अब पितृधन ऋणम, ये नीचे जो इस प्रकार की जो रेफ लगती है ना, इसको री की रेफ बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, री की रेफ। इस तरफ भी यहाँ पर री है और इस तरफ भी यहाँ पर क्या है, री है। तो री और री के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा। री और री के मिलने से क्या बन जाएगा, बड़ा री बन जाएगा। तो पितृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा, पी का हो गया पी, ता का हो गया ता, री और री के मिलने से बन गया री, ओणम का हो गया ओणम। पितृधन ऋणम बराबर हो जाएगा पितृणम, मतलब पिता का ऋण। पितृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा, पितृणम हो जाएगा, क्लियर है। पितृधन ऋणम बराबर क्या हो जाएगा, पितृणम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे, हमारी दीर्घ स्वर संधि हो गई। चलिए हिमालय का संधि विच्छेद, वेरी गुड, बहुत शानदार। विद्यार्थी उधर देख के, विद्यार्थी बेटा, विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी, बैठ जाओ ना। और भानुदय, वेरी गुड, बहुत शानदार, बैठ जाओ ना। और गजानंद इधर, गजानंद तेरे पीछे, हाँ तू बता दे, गजानंद, गजानंद,
गजानंद का क्या हो? गजानी, गजा कोई बर्ड नहीं होता, गज गज आने होता है हाथी, गज धन आनंद बराबर गजानंद हो जाएगा। बैठ जाओ, है ना, किसी का नाम भी रहता है ना गजानंद, है ना, गज धन आनंद बराबर गजानंद, है ना कि नहीं। उसके बाद गजानंद हो गया, उसके बाद और सूक्ति, सूक्ति का संधि विच्छेद कैसे होगा रे बताओ, क्या होता है? वेरी गुड, सुधन उक्ति बराबर सूक्ति। बैठ जाओ ना। चलो अब कौन बताएगा? और सबसे पीछे दैत्यारी, दैत्यारी, वेरी गुड, बहुत शानदार, है ना, है ना। दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, है ना, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी, है ना, वेरी गुड। दैत्य धन अरि बराबर क्या जाएगा? दैत्यारी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे भैया किसकी? गुण स्वर संधि की। किसकी बात करेंगे? गुण स्वर संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुण स्वर संधि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुण स्वर संधि की बात करेंगे। तो देखिए, गुण स्वर संधि के आपके चार नियम होते हैं, फोकस से समझेंगे। इस तरफ के शब्द में अगर छोटा आ हो या बड़ा आ हो, इस तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और दूसरे शब्द में अगर छोटा ई हो या बड़ा ई हो, तो आ और ई के मिलने से ए बन जाता है। क्या बन जाता है? ए। जैसे चाय पत्ती शक्कर और दूध के मिलने से चाय बन जाती है, उसी प्रकार चाय पत्ती दूध और शक्कर के मिलने से चाय बन जाती है, उसी प्रकार आ और ई के मिलने से ए की मात्रा बन जाती है। काय की मात्रा? ए। आ ई ए, आ ई बराबर ए। क्या बोला मैंने? आ ई बराबर ए। कौन सी संधि? गुण स्वर संधि। क्या क्या होता है? आ धन ई बराबर ए, आ धन ई बराबर ए। आ और ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए बन जाता है। आ ई ए, आ ई ए, है ना। आ और ई के मिलने से क्या बन जाता है? ए। लेकिन, लेकिन सिर्फ गुण संधि की विशेषता, गुण संधि की विशेषता, गुण में और वृद्धि में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। गुण संधि की विशेषता कि हमेशा इसमें छोटा ए की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी? छोटा ए की मात्रा ही बनेगी। आ और ई के मिलने से क्या बनता है? छोटा ए बनता है, छोटा छोटा ए की मात्रा। आ और ई के मिलने से क्या बनता है? छोटा ए की मात्रा। गुण स्वर संधि में आ और ई के मिलने से क्या बनता है? छोटा ए की मात्रा। क्लियर है? अब इस तरफ चाहे आ हो, छोटा आ हो, या इस तरफ बड़ा आ हो, फिर से क्या बोला मैंने? इस तरफ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, लेकिन उस तरफ अगर ऊ है, छोटा ऊ है या बड़ा ऊ है, तो आ और ऊ के मिलने से क्या बोला मैंने? आ और ऊ के मिलने से, किसके मिलने से? आ और ऊ के मिलने से आ, आ, और इस तरफ ऊ, इस तरफ ऊ, तो आ और ऊ के मिलने से, किसके मिलने से? आ और ऊ के मिलने से ओ की मात्रा बनती है, लेकिन विशेषता छोटा ओ की मात्रा बनेगी। क्या बनेगी? छोटा ओ की मात्रा बनेगी। आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगी? छोटा ओ की मात्रा। तो कौन सी संधि होगी? गुण स्वर संधि होगी।
आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगी, छोटा ऊ की मात्रा बनेगी, तो वहां संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। क्लियर, आ और ऊ के मिलने से क्या बनेगी, छोटा ओ की मात्रा, तो संधि कौन सी होगी, गुण स्वर संधि होगी। और एक नियम और, इस तरफ चाहे आ हो या आ हो, गुण स्वर संधि की एक पहचान और है कि इधर आ आ आ आ, इस तरफ उल्टे हाथ तरफ जो उल्टे हाथ बाजू इस तरफ मालूम है आ ही रहेगा, क्या रहेगा, आ ही रहेगा, और उस तरफ ई रहेगा ऊ रहेगा। क्लियर है ना। और अगर इस तरफ छोटा आ है या बड़ा आ है, क्या बोला मैंने, इस तरफ क्या है, छोटा आ है या बड़ा आ है, और इस तरफ छोटा री है या बड़ा री है, तो आ और री के मिलने से बन जाएगा अर, आ और री के मिलने से बन जाएगा अर बन जाएगा, आ और री के मिलने से बन जाएगा अर, आ और री के मिलने से बन जाएगा अर बन जाएगा। के लिए अरी नहीं बेटा, अर, आ और री के मिलने से अर, आ और री के मिलने से बन जाएगा अर बन जाएगा, बोल के दिखाओ रा, आ और री के मिलने से बन जाएगा अर अर है ना। अब इसके बाद देखो, आ इस तरफ छोटा आ हो, देखो क्या बोला मैंने, इस तरफ क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, और इस तरफ लरा हो, क्या उस तरफ लरा हो, तो आ और लरा के मिलने से बन जाता है अल, आ और लरा के मिलने से बन जाता है अल, आ और लरा के मिलने से क्या बन जाता है, अल बन जाता है, आ और लरा के मिलने से बन जाता है अल बन जाता है। क्लियर है। अब इसके हम एग्जांपल समझेंगे कुछ, देखो एग्जांपल सब बारीकी समझना ठीक। नर, नर क्या लिखा है यहां पर, नर, राम में यहां पर आधा रा और आ छुपा हुआ है, राम में यहां पर आ छुपा हुआ है, तो राम में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, बोलेगा ना कोई बीच में शांत, राम में यहां पर आ छुपा हुआ है, राम में यहां पर क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और यहां पर है ई, और यहां पर क्या है ई, यहां पर क्या है ई, तो आ और ई के मिलने से बन जाती है ए की मात्रा, क्या बन जाती है, ए की मात्रा, तो ना का हो गया ना, रा का हो गया रा, और आ और ई के मिलने से बन गई ए की मात्रा, और आधा ना का हो गया आधा ना, और द्रा का हो गया द्रा, तो नर धन इंद्र बराबर हो जाएगा नरेंद्र, नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा, नर धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। अगला यहां पर क्या देखो, उप धन इंद्र, अगला क्या है, उप धन इंद्र, पा में यहां पर आ छुपा है और यहां पर ई छुपा है, तो आ और ई के मिलने से क्या बनता है, आ और ई के मिलने से बनता है ए की मात्रा, क्या बनती है, ए की मात्रा, ऊ का हो गया ऊ, पा का हो गया पा, आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, आ और ई के मिलने से बन गया ए की मात्रा, आ और ई के मिलने से बन गया ए की मात्रा, और नद्रह क्या हो जाएगा, नद्रह, उपधन इंद्र बराबर हो जाएगा उपेंद्र, पेपर में आएगा उपेंद्र का संधि विच्छेद कीजिए, तो उपेंद्र बराबर क्या हो जाएगा, उपधन इंद्र, उपधन इंद्र बराबर क्या होता है, उपेंद्र होता है, उपधन इंद्र बराबर क्या होता है, उपेंद्र होता है। क्लियर। अगला है देवधन इंद्र, दे का हो गया दे, वा का हो गया वा, अब यहां पर आ की मात्रा और ई की मात्रा, आ और ई के मिलने से बन जाता है ए की मात्रा, बताया ना, आ और ई के मिलने से बन जाता है ए की मात्रा, तो देव धन इंद्र बराबर हो जाएगा देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर क्या हो जाएगा, देवेंद्र हो जाएगा। इसके बाद यहां पर लिखा है नर और यहां पर क्या लिखा है, ईश, यहां पर आ और यहां पर ई, आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, तो नर धन ईश बराबर क्या हो जाएगा, नरेश, नर धन ईशा बराबर क्या हो जाएगा, नरेशा हो जाएगा। क्लियर। नर धन ईशा बराबर क्या हो जाएगा, नरेशा हो जाएगा। अगला है सुर धन ईश, सु का हो गया सु, रा का हो गया रा, आ और ई के मिलने से बन जाएगा ए की मात्रा, क्या बोला मैंने, आ और ई के मिलने से बन जाएगा ए की मात्रा, और शाह का हो जाएगा शाह, सुर धन ईशा बराबर हो जाएगा सुरेशा,
सुर धन ईशा बराबर क्या हो जाएगा, सुरेशा हो जाएगा। क्लियर है? सुर धन ईशा बराबर क्या हो जाएगा, सुरेशा हो जाएगा। अगला अगला है यहाँ पर भाग्य। अगला यहाँ पर क्या लिखा है, भाग्य लिखा है। या में यहाँ पर आ की मात्रा है, या में यहाँ पर क्या है, आ की मात्रा। और यहाँ पर है ऊ की मात्रा, यहाँ पर क्या की मात्रा है, ऊ की मात्रा। तो आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, देखो आ और ऊ, आ और ऊ के मिलने से क्या बनता है, ओ की मात्रा बनती है। तो भाग्य में या में यहाँ पर आ छुपा है और यहाँ पर छुपा है ऊ, तो भा का हो गया भा, आधा गा का हो गया आधा गा, या का हो गया या। अब आ और ऊ के मिलने से बन जाएगा ओ की मात्रा। आ धन ऊ बराबर ओ, छोटा ओ है ना, आ धन ऊ बराबर क्या हो गया, ओ हो गया। तो भाग्य धन उदय बराबर हो जाएगा भाग्योदय, भाग्य धन उदय बराबर क्या हो जाएगा, भाग्योदय हो जाएगा। बोलने पे समझ में आ रहा है, आ धन ऊ बराबर ओ, आ धन ऊ बराबर ओ, बोलने में समझ में आ रहा है ना, आ धन ऊ बराबर क्या होता है, ओ होता है। क्लियर है? बोलने में समझ में आ रहा है, आ धन ऊ बराबर ओ होता है। क्लियर है? आ धन ऊ बराबर ओ होता है ना। अब महाधन इंद्र, क्या बोला मैंने, महाधन इंद्र। माँ का हो गया माँ, हा का हो गया हा। अब आ और ई के मिलने से क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ए की मात्रा लगी और नद्रह का हो जाएगा नद्रहा। तो महाधन इंद्र बराबर हो जाएगा महेंद्र। इसके बाद परधन उपकार, आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ की मात्रा, परधन उपकार बराबर हो जाएगा परोपकार। सूर्य धन उदय, सूर्य का हो गया सूर्य, आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ की मात्रा, सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। नर धन उत्तम, नर का हो गया नर, आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ की मात्रा और तम का हो गया उत्तम है ना, तो नर धन उत्तम बराबर नरोत्तम। अगला है हित धन उपदेश, हित का हो गया हित, आ और ऊ के मिलने से बन गया ओ की मात्रा और पदेशा का हो जाएगा पदेश। हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। अगला है गंगा धन उर्मी, गंगा का हो गया देखो गा का, गम का हो गया गम और गा का हो गया गा, आ और ऊ के मिलने से बन जाएगा ओ की मात्रा। तो गंगा धन उर्मी बराबर हो जाएगा गंगोर्मी। सप्त धन ऋषि, अब समझो यहाँ पर आ की मात्रा और यहाँ पर री की मात्रा। देखो यहाँ सप्त बारीकी समझना, क्या लिखा है यहाँ पर सप्त, सप्त लिखा है सप्त, इसमें आधा ता और आ छुपा हुआ है, क्या छुपा हुआ, आधा ता और आ छुपा हुआ है इसमें सप्त में। और इसके बाद यहाँ पर री छुपा हुआ है, यहाँ पर क्या छुपा हुआ है री, सप्तधन ऋषि। तो आ और री के मिलने से बन जाता है अर बन जाता है, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो सप्त का हो गया सप्त है ना, आ और री के मिलने से क्या बन गया, राखी रेफ बन गया अर। अर किसको बोलते हैं, जो राखी रेफ है ना इसी को हम अर कहते हैं, राखी रेफ को हम क्या कहते हैं, अर कहते हैं। तो सप्तधन ऋषि बराबर हो जाएगा सप्तर्षि। राजधन ऋषि बराबर हो जाएगा राजर्षि। पूछ लेता भैया पेपर में राजर्षि में कौन सी संधि है, गुण स्वर संधि है। क्लियर? अगला है महाधन ऋषि बराबर महर्षि, मोस्ट आईएमपी, महाधन ऋषि बराबर महर्षि याद करना है। तब धन रकार बराबर हो जाएगा तवलकार। ये हो गया आपकी गुण स्वर संधि, इति समाप्तः।